गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। कपूर, 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 पुत्र एक बात बता। क्या? आजकल हरिद्वार में कितनी ठंड पड़ रही होगी? हरिद्वार में इतनी, और अगर गंगा में डुबकी लगानी तो इतनी। पर तू क्यों पूछ रही है हरिद्वार? क्योंकि मैं हरिद्वार जा रही हूँ। क्या? हाँ। नानी अभी तेरी उम्र ही क्या, जाके किसी डिस्को में जा, तो कहाँ हरिद्वार जा रही है? अच्छा, तू कहीं ये सारी जायदाद मेरे नाम करके सन्यास तो नहीं ले रही? मुझे तेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। क्या कहा, सन्यास? हाँ, पागल हो गया क्या? मैंने अभी देखा ही क्या है, अभी तो मुझे सिद्धू साहब के साथ गोवा भी जाना है। बड़ा शौक है ना इन्हें पार्टी का। ओए, गोवा? नानी उम्र देख अपनी तू। कल रात तक तो अपनी उम्र ही देख रही थी, फिर टीवी पर उमराव जान देख ली, उसके बाद अपनी उम्र भूल गई। अभी तू हरिद्वार जा रही थी, अभी तेरे को गोवा जाना, तो एक काम करना, नहीं पहले किसी डॉक्टर के पास जा। अरे जाना तो मुझे फिल्म था, देख दो टिकट भी लाई थी मैं, पर साथ में जाने के लिए कोई कंपनी नहीं है ना, इसीलिए मैं तुझे दे रही हूँ, सब मोह माया है, तू रख ले, मैं चलती हूँ, 7 बजे की फ्लाइट है मेरी। वाह, फ्लाइट? तेरे पास पैसे कहाँ से आए फ्लाइट के? अरे मैं तो पैदल जा रही हूँ, फ्लाइट सिद्धू साहब की है ना, इनको एयरपोर्ट ड्रॉप करके मैं पैदल निकलूंगी 11 नंबर। नानी हरिद्वार जा रही है, मेरे पास फिल्म की टिकटें, पर जाऊंगा किसके साथ में? ओए होए होए होए, मेरी तो लॉटरी लग गई आज। सिद्धू भाजी, दर्शकों जहां कहीं जाना आपको जाओ, आज खत्म है, इतना ही है। ओके, ये क्या हो गया? ओह, मेरी लॉटरी को लग गई लॉटरी। चलो मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर ले चलता हूँ। किसी को चोट लगती है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। दिल के इलाज डॉक्टर के पास नहीं होते लॉटरी। वैसे तुम शाम को फ्री हो तो अमेरिका चले? अमेरिका क्यों? क्या पता ट्रंप आगे खूबसूरत लड़के लड़कियों को भी बैन कर दे, पहले पहले घुमाते। अमेरिका जाके किसी फिरंग लड़की को देखकर मुझे भूल गए तो? फिरंग की जगह फिरंगी क्या देती? फिरंग, आप तो एक नंबर का फ्लर्ट है। मैं तो ऐसे ही मस्ती मजाक करता रहता हूँ शो में, ऐसे प्यार तो मैं तुम्हीं से करता हूँ लॉटरी। देखो लॉटरी, इस समय लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में सोनी टीवी लगाया हुआ है। हाँ। मैंने अपना दिल लगाया हुआ है। हाँ। तुम भी कुछ ना कुछ लगा लो, क्या हुआ? मैं पुलिस को फोन लगाती हूँ। ठीक है, मैं पंडित को लगाता हूँ, जो पहले आ गया शादी कर लेंगे। अगर अगर पंडित आ गया तो शादी, और पुलिस आ गया तो जेल में शादी। फिर हमारे बच्चे हवालात में होंगे, कैसी माँ हो तुम, बच्चों को जेल में पैदा करोगी तुम, इतनी निर्दयी माँ हो तुम। आप सपने देखते रहो, मैं जा रही हूँ, आज मेरी सहेली की बर्थडे है और उनके लिए गिफ्ट भी लेना है। बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, गिफ्ट मैं देता हूँ, तुम्हारी सहेली को दे दूंगा। वैसे कैसी है निशा? निशा कौन है? मेरी दोस्त के नाम पूजा है। मेरे को यही चेक करना था, कहीं तुम पूजा के बहाने रमेश से तो नहीं मिलने जा रही? शक है। तुम एक बात बताओ, हमेशा क्यों आप फ्लर्ट करते रहते हैं? मैं फ्लर्ट थोड़ी करता हूँ, मैं टीवी भी करता हूँ, जिम भी करता हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ, तुम भी करो कुछ, क्या हुआ? कम से कम फ्लर्ट तो करो। मैं यहाँ फ्लर्ट करना नहीं आती हूँ, मैं यहाँ काम करने आती हूँ। अगर तुमने फ्लर्ट किया था ना मेरे साथ तो काम करने की जरूरत ही नहीं थी। एज ए प्रोड्यूसर मेरी लाइन आ जाती है। एज ए प्रोड्यूसर कभी कभी दिमाग चल जाता है। कपू, एक दिन मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना है। तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, मैं अगले हफ्ते तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर को नर्स। सुनो, आप मुझे तंग मत करो, मैं जा रही हूँ बर्थडे के लिए। अरे जाने की क्या जरूरत है, अब मैं अपना बर्थडे रख लेता हूँ इधर, क्या हो गया? बर्थडे रखता नहीं है, होता है कुछ कुछ होता है लॉटरी, तुम नहीं समझोगी। वैसे भी मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मेरा बर्थडे तो है आज, लेकिन आपने बताया आपके बर्थडे जून में है। जून में था, मैंने फिर एप्लीकेशन दे के फेब में शिफ्ट करवा लिया। तुम शाम को फ्री हो? मतलब हम लोग पहले कैंडल लाइट डिनर करते हैं, उसके बाद फिल्म देखने चलेंगे, क्या बोलती हो? दो टिकट? हाँ ठीक है, मैं फिल्म के लिए आपके साथ आ जाऊंगा। पक्का? हाँ। पप्पू, तुम्हारा बर्थडे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बताया, तुम्हारे पापा की शक्ल नेवले जैसी, मैंने खुद ही अंदाजा लगाया ना। आग लग गई, आग लग गई। मेरी प्लानिंग पे इतना तो सेट मैक्स पे सूर्यवंशम नहीं आती जितना तो मेरी लाइफ में आ चुकी है। चल भाग यहाँ से। अरे मैं तो भाग जाऊँ लेकिन कोई लड़का मारे तब ना। हम तो तुझे लड़का ही मानते हैं तेरे। अरे आपको पता है पहले ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखती थी। अच्छा, हेलो
मारी छोरी छोरों से कम है क्या बेटी? तुझे जितनी लंबी दाढ़ी रखनी है रख, हम किसी से डरते हैं क्या? तुम फ्रेंच कट की बियर रखती थी? मैं ना फ्रेंच कट थप्पड़ भी रख देती हूँ। फ्रेंच कट थप्पड़ होता नहीं, फ्रेंच किस होती है। क्यों सिद्धू साहब, एक मेरे को बता दीजिए, कहते हो फ्रेंच का सपड़ी मजेदार थी। सिद्धू साहब, आपने हमें तो कभी बताया नहीं, हमें तो शेर ही सुनाते रहते हो आप। पापा आप अपना काम करो जाके। ओके, हाँ काम करता हूँ। हाउ आर यू लॉटरी? लॉटरी, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? आपका मुंडन करा रहे हैं। आया बेटे, आया मैं आया है। चलो मैं जा रही हूँ, मैं आपके बर्थडे पार्टी के लिए आ जाऊंगी, ठीक है? Okay. बर्थडे पार्टी? तुमने तो कहा था तुम्हारा बर्थडे अप्रैल में आता है। वो तो तुझे अप्रैल फूल बनाया था मैंने। तो फिर मैंने जो गिफ्ट दिया था वो क्यों रख लिया तुमने? पता है लॉटरी, कप्पू ने मुझे रिटर्न गिफ्ट में एक सोने की चेन दी थी। व्हाट? सोने की चेन? मैं इसे चेन से सोने ना दूं, सोने की चेन मैं इसको क्यों दूंगा? ये तुम्हें भड़काने के लिए ऐसा बोल रही है लॉटरी? नहीं, सच में सोने की चेन दी थी और बोला था आई लव यू जानू। लॉटरी लॉटरी, ये आधा सच बोल रही है। मैंने मैंने जा कहा था नू नू, इसने खुद घुसेड़ा है। कभी तो कुछ अच्छी बात कर लिया करो। आज शाम को क्या कर रही हो? जो तुम बोलो। जाके मोटरसाइकिल चलाओ। लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, तुम सिखा दो। चलानी नहीं आती ना, तभी तो गिरेगी, तेरे घुटने पे चोट लगेगी, भाग के बाहर नहीं आया करेगी। कप्पू कप्पू करती। कप्पू ऐसे नहीं बोलते हैं। सुनो सरला हमारे साथ आते तो प्रॉब्लम क्या है? देखो लॉटरी, एक कटोरी दाल में ना एक भी कंकड़ आ जाए सारा खाने का मजा खराब हो जाता है। यहाँ तो कंकड़ पनीर में घुस रहा है। तुमने मुझे पनीर कहा? ओहो, मुझे अब समझ आया आपको क्यों नहीं बुलाती है। उसने आपको कंकड़ बोला और मुझे पनीर। वेरी गुड, ब्यूटी विद ब्रेन। तुम कम बोलो, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जाती हो कप्पू के साथ। ऐसे 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 अगर लॉटरी तुम गई ना कप्पू के साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी। लॉटरी तुम डरो मत, मैं पूरा हॉस्पिटल सोसाइटी से निकाल दूंगा। मैं जा रही हूँ फिल्म देखने। मैं और शर्मा जी दिल्ली देते रहते, कभी बिल भी दे दिया करो। ये देखो 1275 रुपए हैं, फटाफट दे दो। 1275 क्या, तू लॉटरी की साना बदतमीज आदमी। राउंड फिगर ले पूरा 1500। ये वही ना बात, ये ले 10 और 5 15 रुपए। 100 तेरे को शाम को देता हूँ। उधार तो मैं ले नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है बदला ही लेना पड़ेगा अब। जो लेना है बाद में लेना, आज कपूर में फिल्म देखने जा रहे हैं। कपूर मैं नहीं, हम और हम दोनों। चल आज सरला तुझे पिक्चर मैं दिखाता हूँ, आ जा। तुझे पिक्चर में दिखा। शक्ल देखी अपनी आईने में, चला फिल्म दिखाने मुझे। ए पाजी गलती मेरी है, 4 आने के मुर्गी को 12 आने का मसाला लगा दो ना, दिमाग खराब हो जाएगा। मेरी बात है पाजी। और लॉटरी पिक्चर तुम्हें मैं दिखाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उसके बाद पूछने की? ये हुस्न मैंने सेकंड प्रायोरिटी के लिए मेंटेन किया क्या? फ्रिज में रखी हुई दाल नहीं हूँ मैं, जो कुछ नहीं मिला तो इसको गर्म कर लो। देखो मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारी कोई दाल गलने नहीं वाली। हेलो, यहाँ अंदर सारे घर में दाल जल रही है और तू गलने की बात कर रही है, हैं? अरे मैंने आपसे कहा था 2 सीटी के बाद गैस बंद कर दीजिएगा। बेटे मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे को सीटी बुझानी नहीं आती। देख बेटे। अरे कुकर की सीटी होती है वो, मैंने फेंक दी। घर में जवान बेटी है, कुकर की सीटी बजेगी अच्छा लगेगा। चंदू औकात में रह के बात कर, लॉटरी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने नहीं जाएगी। तुम ऑफर नहीं कर सकते उसको ये। पापा इसे मुझे भी ऑफर दिया था। तो बेटे ले लेना चाहिए था ना, मैंने तेरे को कितनी बार कहा है, पिक्चर जाना, चाट खाना, मोबाइल रिचार्ज कराना, इन सब के लिए तेरा बाप मर चुका है। बाहर से ही करवाया करिए सब कुछ, ठीक है? कैसे बाप है तुम? ऐसे बाप है हम, गलत हो ना, है ना?
मुझे अच्छा बाप बना दो, ऐसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ? इतने पैसे जोड़े होते ना, अच्छा सा मुंह लगवा के घूमते आप। चलो लॉटरी, हम चलते हैं। हेलो, लॉटरी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लॉटरी तुम मेरे साथ चल। क्यों? एक मिनट, आपके साथ लॉटरी क्यों जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? अपनी शक्ल देखिए आपने, एक काम करो आप, बाहर जाओ, बाहर महंगी गाड़ी खड़ी है एक, उसके नीचे आओ, टायर का निशान आपके फेस पे आएगा ना, स्ट्राइप्स वाला मुंह अच्छा लगेगा। शट अप, चलो हम लेट हो रहे हैं, चलो बेबी, चलो चलो। व्हाट? सॉरी स्वीटी, सॉरी आई मीन जानू, जाओ। तुझे बात कहने की क्या जरूरत है? सेट अच्छा तो मुझे 3 बार हार्ट अटैक आ जाता। ओके, शट अप, शोना गो गेट रेडी, वी आर गेटिंग लेट। तैयार हो क्या? सुंदर तैयार होके आती हूँ। टप्पू, तुम ये टिकट मुझे दे दो। उतार, चल मैं चलती हूँ। हाँ, अरे वाह भाई, मुबारक हो टप्पू, तुम्हारी नानी चलने लगी। बोबड़े, क्या बहुत जबान चलने लगी है तेरी? हाँ, कान खोल के सुन लो दोनों। बोबड़े, मैं हरिद्वार जा रही हूँ, मेरे पुत्र का ख्याल रखना, समझे? अच्छा सुन पुत्र, 1000 का छुट्टा है तेरे पास? हाँ बिल्कुल है, बिजनेसमैन आदमी लोगों की तरह टाइम तो नहीं वेस्ट करता हूँ इंटरव्यू कर करके। ये ले नानी, पूरे है ना? 1000 का नोट तो दे रहे। वो तो कब के बंद हो गए? तो पता नहीं, बिजी आदमी है ना, बिजी आदमी, ग्लास धोने से फुर्सत मिले तो जाके न्यूज देखे। नानी तू जा रही, मेरे को पुत्र को कुछ खर्च करने के लिए दे। मेरा पुत्र, ये ले, ये रख तू। थैंक यू। अरे मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो मेरे को भी दे दीजिए 100-200। हाँ हाँ क्यों नहीं। आए, ऐसे कौन पेमेंट करता है भाई? हाँ, ये ई पेमेंट आपने सुनी थी ना? ये आई पेमेंट है, ये लेटेस्ट वर्जन आया। अच्छा हुआ ये खुद हरिद्वार चली गई, वरना मैं छोड़ के आता। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल ही पढ़ा लिखा डॉक्टर की बात समझ सकता है। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, ऐसे क्या बोलते हैं कि मोहल्ले में जब बंदर आए तो कुत्ते ही देख के भौंकते हैं। बाहुबली 2 देखी आपने? ओए ओए क्या फिल्म है, पहले सीन में हीरो आता है ये। ओए बेवकूफ आदमी, क्या हुआ भाई? ए भाई, कोई बताने की जरूरत नहीं है, हम वही तो देखने जा रहे हैं। तो मेरे बताने से पिक्चर थोड़ी बदल जाएगी। नहीं 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 बतानी यार, सारी स्टोरी बता दोगे तुम? नहीं, ड्रामा रिवील नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। नहीं, इन्होंने तो 6 साल अपनी बेटी को रिवील नहीं किया था। कह रहे थे मैंने वहम पाला हुआ, फिर कहते एलियन पाला, बाद में पता चला बेटी पाल रहे हैं। यार ये कहाँ तुम सरला की बातें बीच में कर रहे हो, जाके देखो तमन्ना भाई क्या नहीं है भाई, झरने मेरे को वहां थिएटर में ठंड। तेरे को कहा नहीं बातें करनी तमन्ना भाटिया की, तमन्ना सिर्फ मेरी है। तमन्ना के बारे में कुछ नहीं कहना, तमन्ना मेरा है। डॉक्टर साहब आप जाके कहीं सिलेंडर पे सब्सिडी लो, कहां तमन्ना के सपने देख रहे हैं आप? बाहुबली 2 मैं देखने जाऊंगा, वो भी लॉटरी के साथ। नहीं नहीं, लॉटरी तो तब लगेगी जब पता चलेगा ना कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों हुआ। नहीं बताना तुम्हें क्या है, ड्रामा रिवील नहीं करोगे तुम? यार आपकी पैंट फट जानी, आपकी सीने हो जाओ। तो ये ड्रामा रिवील हो जाता। थैंक यू। वो तैयार। एक मिनट मेरी बात सुनो सर, मैं फिल्म देखो आप, उसमें होता है कि कटप्पा आता है बाबूली के पास। तू हॉस्पिटल है, मैं तेरे को बताऊंगा। नहीं बताना। इतनी जोर से छाती क्यों पीट रहा है इसकी? नहीं बताना। हॉस्पिटल से एक बात याद आई, हॉस्पिटल में पता चलता है जो बाहुबली की माँ है वो उसकी माँ नहीं, उसकी माँ कोई और है। एक मिनट, इधर आओ, इसको कोने में ले जाके सारी स्टोरी सुन लो, मैं लॉटरी के साथ जाके देखूंगा। जाओ डॉक्टर साहब। एक मिनट, लॉटरी सारी स्टोरी बता, ऊंचे ऊंचे बता, लॉटरी के साथ एंड तक बताएगा। होता ही है, एंड बता दे। अगर तुमने बोला, अगर तुमने ना बोला, मेरे को नहीं पता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन मेरे को पता मैंने तेरे को क्यों मारना है। खबरदार अगर तूने बोला तो। बोलना तो है, बताएगा।
सुन लो यार, सुन लो, लॉटरी के साथ पिक्चर देखने जा रहे हो, तुमने कौन सा ध्यान से पिक्चर देखनी, सुन लो। ओए ओए सुना सुना पिक्चर, ओ सुना, मैं तेरा साथ हूं। एक सेकंड, सुना पिक्चर, एक सेकंड, ए सुना पिक्चर, सुना सुना। कहां करो यार, इधर मेरी पेंट फाड़ गई तेरी। सुना पिक्चर, मैं कहता हूं मेरी, एक मिनट मेरी बात सुन सर, एक मिनट, इसको बंद हो इधर, चलो एक सेकंड, एक सेकंड, प्लीज प्लीज, अब क्लाइमैक्स तो रिवील हो ही गया। सुनाओ सुनाओ पिक्चर, हम तुम्हारे साथ हैं, सुनाओ। एक मिनट, वो अभी अभी आया है, ठीक है, मेरे साथ रहोगे ना तो कल को फिल्मों में भी आ जाओगे, उसके साथ रहोगे तो दोनों जाओगे। मैं तुम्हारे साथ है क्योंकि मैं लालची है, तुम मेरे को पिक्चर दिखाओ, मैं तुमको पॉपकॉर्न खरीद के देगा। इनसे पूछो कभी खुद खाए इन्होंने। कपिल शर्मा, ओ कपू शर्मा, तुम मुझे लेकर जाओ, मैं तुम्हें चाय भी पिलाऊंगा। भाई केतली जैसे मुंह वाले, मेरी बात सुन, मैं लॉटरी के साथ जा रहा हूँ, मैं तेरी चाय और क्या तुम लोगों के पॉपकॉर्न खाने जा रहा हूँ, शड़प। मैं पॉपकॉर्न खा रहा था, उसी में पसंद था कटप्पा ने बाहुबली को। हमारे यार को क्या नहीं पता था। डॉक्टर साहब एक काम करो आप, ये ऐसे नहीं मानेगा, चाकू लेके आओ, आज ऑपरेशन मैं करता हूँ। एक मिनट बस, मेरे से ना तमीज से बात किया करो, शड़प, बस ऐसे बात करो, ये ठीक है। मैं आपको बोलूं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल, अपना भी दिमाग लगा लो, बाहुबली 2 आई नहीं है तो मेरे को कैसे पता होगा, मैं बच्चे कर रहा था, आई वॉज किडिंग। आपने टिकट पे फिल्म का नाम नहीं पढ़ा था? नहीं, मेरे को क्या, कोई से भी वो देख लेंगे। अरे यार इनको फिल्म से क्या मतलब, इनको तो लॉटरी से मतलब है, फ्लैट करने से मतलब है। वैसे मतलब तो मुझे भी लॉटरी से ही था, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरी साजिश थी कि आप लोग वहां जा ना पाए। क्या तेरा फोकस लॉटरी पे है? एक मिनट डॉक्टर साहब, चंदू आप लोग पहले एपिसोड से वेटिंग लिस्ट में हो, ये आते ही अपनी टिकट कंफर्म करवाने की सोच रहा है। अच्छा, इसको जो करना करो, डेथ कर दो इसकी। इसका बाहुबली 2 बनाते हैं, इधर ले जाओ, इसका 3 बनाओ, ले जाओ ले जाओ डॉक्टर साहब। मेरा क्या, मैं डॉक्टर साहब, दिस चलो चलो। ओ लॉटरी, चलो कपू मैं तैयार हो गई। इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी, तुम फिल्म देखोगी, फिल्म का हीरो तुम्हें ना देखने बैठ जाए, चलो चलते हैं। लॉटरी मेरे साथ जाएगी जगह, लॉटरी मेरे साथ जाएगी। पापा मैं भी किसके साथ जाऊंगी? तू उधर जाएगी, शर्म नहीं आती, तेरा बाप यहाँ पे फ्लैट कर रहा है, आजकल के बच्चों में संस्कार ही नहीं है कोई। सिद्धु साहब लॉटरी, आओ पिक्चर देखने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं। लॉटरी मेरे साथ जाएगी? क्या मेरे साथ, मेरे साथ, टिकट तो मेरे पास है, गेट आउट। चलो लॉटरी, कुछ भी हो जाए लेकिन फिल्म देखने तो मैं चलूंगी तुम्हारे। अच्छा, नहीं आती, यहाँ पे बाप खड़ा है और तू पराए मर्द के साथ फिल्म देखने के लिए जा रही है, एक खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं आपके लिए कैरेमल पॉपकॉर्न ले आऊंगी। तो ठीक है फिर, लार्ज लाना, क्योंकि खानदान की इज्जत का सवाल है। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो, चलो शाबाश, चलो लॉटरी, पागल कहीं, लॉटरी मेरे साथ जाएगी, लॉटरी मेरे साथ जाएगी, लॉटरी चलो, लॉटरी 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 रुक जाओ। क्यों क्यों नहीं हिलना अपनी जगह से, क्या हो गया? नानी तू तो हरिद्वार चली गई थी, मेरी ट्रेन छूट गई। ये टिकट दे मुझे, फिल्म तो मैं सिद्धू साहब के साथ जाऊंगी देखने के लिए। शेरी, लेट्स गो। तू ये सोचते है मैं टिकट का भूखा हूँ? ये क्या किया आपने? आज मैं वो करने वाला हूँ जो तुम लोग अक्सर किया करते हो। दोस्तों आज
जो यहाँ पे हमारे गेस्ट आ रहे हैं वो गेस्ट नहीं है, मेहमान नहीं है, हमारी जान है। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने पंजाबी म्यूजिक को ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे घर वालों ने इनके गाने लगा के बहुत डांस किया था, और आज मुझे बहुत खुशी है कि वो हमारे शो में आ रहे हैं। प्लीज वेलकम पंजाब की आन शान बान गुरदास मान। एक बार फिर से हो जाए लेजेंडरी गुरदास मान साहब के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है बाजी, रंग जमा दिया आपने। ये रंग थोड़े जमाए हुए होंगे सर, वी लव यू रियली। थोड़े सेट देते हमेशा वाइब्रेशन देनी है, वो आनगियां भी क्योंकि तुसी एक जगह पे पूरा मंदिर बना के रखा हुआ है। सो स्वीट ऑफ यू। प्रवेश कर दे कोई आदमी जिथे मंदिर होवे, जेडी जगह पूजनी योग होवे, उसनु नमस्कार करके लंगो ते काम सारे संपूर्ण होंगे। और ऊपर से मान साहब आपके जैसी शख्सियतें जब इस शो पे आती हैं, आपके चरण पड़ते हैं तो आए हाय फिर तो जी हां जी। मान साहब का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एक बार मान साहब के लिए। 31 दिसंबर 1980 की वो रात जब मान साहब ने दूरदर्शन पे पहली बार दिल दा मामला गाया था, और मान साहब तब से लेके आज तक लोगों के दिलों के मामले हिले हुए हैं, खराब हुए हैं, मतलब लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और ये आज तक इतने सालों से लगातार लोगों के दिलों पे राज करते आ रहे हैं। सर आपको सलाम। मान साहब एक बार बताइए, ये जो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, ये जोड़ने का फॉर्मूला है क्या बेसिकली? बिकॉज मैंने देखा है लोग आपके फैन नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते, आपको पूछते हैं पाजी क्या कनेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है बेसिकली? मेरा ख्याल है इज्जत ही है सब कुछ, कनेक्शन जड़ा है जी, जिन्नी करी जाओगे उन्नी मिली जानी है। ये तुसी किसी की कर नहीं सकते तो मिल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है मान साहब। जब आपने दिल दा मामला है गाया था जी, तब हिंदुस्तान की पॉपुलेशन जो थी 100 करोड़ से कम थी एक्चुअली, अभी तकरीबन 150 करोड़ हो गई है। तो जब दूरदर्शन पे कुछ करोड़ लोग उस समय आपका गाना नहीं सुन पाए, अभी बढ़ गई ना मतलब, तो उनके लिए एक बार दोबारा से हो जाए मान साहब। दिल दा मामला जी जी जी। आप सबको बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं जो मान साहब को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, ये कुछ नए बच्चे बैठे हैं, इनको बता दूं कि मान साहब ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी ऐसी जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं जहाँ पे शायद किसी कलाकार को मौका ही नहीं मिला है या बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जैसे न्यूयॉर्क में मेडिसिन स्क्वेयर गार्डन में मान साहब परफॉर्म कर चुके हैं, वेम्बले में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर हैं, और रॉयल एल्बर्ट हॉल पाजी वहाँ पे तो मतलब एक एक बार इन लोगों को मौका मिलता। आपने बैक टू बैक दो शोज किए थे ना वहाँ पे? जी सैटरडे और संडे दो। तो पहले क्या बात है। तो पाजी जब आप दूसरी बार रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे थे तब आपने सोचा था एक दिन हमारे शो में आने का मौका मिल? मैं ऐसे ही अभी क्या खुद ही मजाक करते रहते हैं, खुश हो जाते हैं। आने का मौका नहीं, मेरी खुशनसीबी मैं समझता हूँ, मेरी खुशनसीबी। बड़े बड़े आर्टिस्टों की, बड़े बड़े कलाकारों की, बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज जो है अपने आप को, वो भी इस जगह पे आने को लव यू। इतना बड़ा मंच, ये मंच नहीं रहा सरपंच बना दिया। आज सिद्धू साहब नहीं है तो लड़कियां देखो घुटने निकाल के बैठी उनकी चेयर पे, अब वो देखेंगे। देखो चार देवियां बैठी हैं उनकी उसे सिंहासन पे। मान साहब आपको देवियां लग रही, मुझे तो बहुत खूबसूरत लड़कियां लग रही। नहीं बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप चारों ही। सोफा ना तोड़ देना सिद्धू साहब का। पर एक्चुअली चारों मिलकर भी इतना वजन नहीं डाल रही होंगी जितना अकेले सिद्धू साहब ने डाला। अभी हाल ही में मान साहब ने नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, बहुत सारे लोग मान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, और मान साहब बहुत खूबसूरत काम करते हैं आप। अगर आपके कहने पे, आपके आपकी इस मुहिम के जरिए अगर हमारे नौजवानों का नशा जो है वो छूट जाता है तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मान साहब अभी ये जो एल्बम आप रिलीज कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी बताएं वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पूरा इसका? कॉन्सेप्ट है पंजाब में कितनी तरह के केमिकल्स, कितनी तरह के नशे जो इस वक्त तैनात हो चुके हैं हमारे लोगों को, बच्चों को जो लगी हुई है जी, उससे उसको बाखबर करना है। तो मान साहब का ये जो वीडियो है उसमें यही दिखाया गया कि मान साहब फ्लैशबैक में जाते हैं और उस छोटे से भगत सिंह को पूछते हैं कि तूने जिस भारत का सपना देखा था वो शायद वैसा नहीं है, तो उनको प्रेजेंट में लेके आते हैं। जब वो आके देखते हैं कि मैंने
जिस भारत की कल्पना की थी वो इससे बिल्कुल उल्ट है। काफी सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। सो बड़ा ही खूबसूरत एल्बम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मांगता हूँ। मान सर, अभी तो आपके साथ एक कंप्लीट पूरा बैंड होता है, जब आप शुरुआती दिनों में गाते थे तब भी आपके साथ इतने साजिंदे होते थे? उसमें 3-4 लोग होते थे, एक मैंडोलिन बजाने वाला, एक ढोलक वाला, और कभी कभी अब हारमोनियम उठा के लेके जाते थे। ओके। और एक दफा मेरे ऐसी शादी का प्रोग्राम था। अच्छा। और कहते यार स्टेज तो है नहीं है, इस गड्ढे पे बैठ के गाओ। वो जो जिसके आगे बैल बांध के संभाल, बैल बांध के, हाँ, बैल की जगह उन लोगों ने बंदे बिठा दिए कि ये उठ ना जाए। तो फिर आपने वहां पे बैठ के परफॉर्म किया? हाँ जी हाँ, मैंने गाना शुरू किया। उधर से एक कैमरे वाला था जो बाहर से आया हुआ था। अच्छा। तो फोटो खींच रहा था, तो कहते यार तू इसकी फोटो क्यों खींच रहा है, ये जो हमारे मेहमान आए हुए इनकी भी फोटो खींचो। कहता मैं नहीं खींचूंगा, इसकी खींचूंगा। वो थोड़ा जिद कर बैठा। अच्छा। तो उनके जो परिवार में थे, कोई जो मामा या कोई जो खास करके जो प्रौणा होता है, ज्यादातर जीजे होते हैं। जीजे, जीजे, जीजा। तो जीजे ने उसको पकड़ लिया, उसकी तार तुर खींच गई। अच्छा। तो उसके साथ भी जो आदमी आए थे वो भी उनका ही था। अच्छा। तो लड़ाई शुरू हो गई। जो हमारे जहाँ बैल बंधे होते हैं, वहां जो बंदे वहां से बैठे हुए थे वो उठ गए और मैं नीचे। क्या बात है, मान साहब आए हुए हैं, क्या बात है। मान साहब इसको इज्जत ना दे, इसके पिंपल हो जाते हैं। बैठिए मान साहब। थैंक यू। इसका बड़ा मजे, मतलब क्या पीछे से देख लेता कौन आया हुआ इधर आके, एक्सप्रेशन ओए ओए ओए। आप अपने मुंह की जिप बंद करेंगे जरा। तो जो तुम्हारे मुंह का पजामा खुला हुआ वो अगर पजामा खुला है तो बीच में नाड़ा जलवा दो फिर। शट अप। अच्छा, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि सारी जिंदगी मेरे को यहाँ पर अपमान मिला है, सबको पता ही है। और आज पहले दिन मेरे को मान साहब मिल रहे हैं। ओए होए। आपको चरण स्पर्श। चंदन जी, ओ बहु चंदन। अब तेरे दो पिंपल निकलेंगे मान साहब, दो बार उठे तेरे लिए। अच्छा, सरनेम उनका है मान, तो तुम्हें कैसे मिल गया? मतलब है इनके घर में तो आपको पता है रेड पड़ी सर, वहां पे भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक्सप्रेशन ही मिले हुए। सोता सोता भी ऐसे करता था, ओए होए होए रात पे गई, क्या जाता है, दिन निकल आया तो ओए होए दिन हो गया। तेरा कुछ है मतलब? तो मेरे पास एक्सप्रेशन है तो मैं देता हूँ, जिसके पास नहीं है वो दे ही नहीं पाते। मेरी फिल्म देखना, उसमें तुझे पता चलेगा। अच्छा, मैं मान साहब को बता, फिरंगी आ रही है। फिरंगी में मैंने सीन देखे हैं तो मुझे बताया गुरेक ने। अच्छा। कमाल है यार, एक तो फिटनेस आपकी, अब बता, और अदायगी जो उसने मुझे बताया कि बहुत ही कपिल ने कमाल। रेड जो है पैसे वालों के घर में पड़ती है। अभी तो मुझे हैरानी है, तेरी तो चीनी में चीटियां नहीं पड़ती, तेरी रेड कहां से पड़ गई? वो तो मेरी इंटेलिजेंस है मान साहब, वो मैंने चीनी के डिब्बे पर नमक लिखवाया हुआ है। अच्छा। पर चीटियां कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा, बैठते हैं, दो मिनट। थैंक यू। ये चुटकुला तूने मुझे 22 साल पहले भी सुनाया था, तब भी मुझे इतनी हंसी नहीं आई थी। तुझे नहीं लगता ये बातें पुराने नोटों से पहले बंद हो चुकी हैं? ओ मेरे मालिक, मेरे मौला, शुक्र है आपको नोटों का पता है। अगर आपको पता तो मेरा उधार क्यों नहीं चुकाते आप? खैर शर्मा जी छोड़िए, मैंने छोटे लोगों से पैसे लेने बंद कर दिए हैं। अब मैं मान साहब के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है? कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। तू जा कहीं जाके ब्रश कर, तू कौन? मेरे को 2 मिनट मान साहब के साथ बात करनी है। क्या बात करनी तुम्हें? वो 100 बिजनेस की बातें होती है बड़े लोगों की, आप क्यों पूछ रहे हो? करना क्या चाहता है बता। हम म्यूजिक में पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने गाना गाना है, मैंने पीछे कोरस देना है? नहीं, तेरा स्पीकर जैसा मुंह, इसका मतलब तू कोरस दे देगा? शर्मा जी देखो, क्या गाने में क्या पार्टनरशिप करेगा तू? मैंने पीछे म्यूजिक देना है। ओए होए। कैसे? मैं अभी डेमो देता हूँ। माइक देना, माइक देना जरा। हेलो हेलो, अपना मान साहब जी, मैं ना मुंह से ढोलकी भी बजा लेता हूँ। ओए होए, मुंह से ढोलकी बजा, तबले जैसा मुंह बजाएगा ही। लो जी, लास्ट मान साहब के लिए एक छोटी सी हीर पेश करने जा रहा हूँ मैं। एक काम कर, छोटी सी हीर, छोटी सी हीर। हीर तो कब की बड़ी हो गई? सुन मेरी बात, ये ना एक कफ की एक मेडिसिन आती है, वो खाएगा तेरी ढोलकी अपने आप बंद हो जाएगी। ये ढोलकी थी नहीं पहले, तो मैं तुझे बताऊँ, ये मैं तुझे बड़े सालों से बोल रहा हूँ, तुमने कॉलेज टाइम में भी किया था। हाँ जी,
यार पहले हंस पड़ते कुछ करने दो पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं टैलेंट, कुछ भी नहीं कहना फिर भी ताली और हंसी। जब किसी की बहुत ज्यादा इंसल्ट होनी होती ना तो उसके पहले ऐसा लाफ्टर आता है। सुना है कि रांझे ने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया था, पर अगर आज होता ना तेरे पे उठाता वो। बीच में जो तेरे सुर लगा ना फिटे मुझे था। मान साहब आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे एज ए चंदन प्रभाकर, चंदू चाय वाला नहीं, एज ए चंदन प्रभाकर। अच्छा मेरी बात। और कपिल शर्मा जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, एक मिनट बात करने जा रहा हूँ। प्लीज तुझे तो आशीर्वाद मिल गया, जो उनके हाथ पे गंदा चमेली का तेल लग गया उसका क्या? प्लीज। हाँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरदास मान साहब हमारे पंजाब की वो शान है, एक यही एक ऐसे सिंगर हैं जिनको दादा भी पसंद करता है और पोता भी पसंद करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू चंदू। मुझे पता नहीं था तुझे इतनी अकल है। अच्छा लेकिन मुझे पता था कि आपको इतनी अकल नहीं है। थैंक यू। अच्छा मान साहब, हमें आपने भाभी जी से, मंजीत जी जो मान साहब की बेटर हाफ है, आपने उनसे तीन बार शादी क्यों की अलग अलग मौकों पे? मतलब क्योंकि लव मैरिज थी। अच्छा पहले तो हमने कर ली। अच्छा फिर घर वाले आने शुरू हो गए, यार आपने कर तो लिया, चलो अब ये दुनियादारी को दिखाने के लिए जी अब घर में आओ, उधर घर में करेंगे। तो मेरे घर वालों ने फिर एक शादी की। ओके फिर तीसरी शादी उनके घर वालों ने, पेके वालों ने, मायके वालों ने, तो इधर भी होनी चाहिए। अच्छा तो फिर उधर हुई, तीन शादियां होगी इस चक्कर में। तीन और लिखी भी तीन थी मेरे घर, ज्योतिषी ने कहा था कि आपकी तीन शादियां होंगी, मैंने नहीं पता थी किस तरह होनी, पर अच्छी बात है एक ही के साथ तीन हो गई। यारी मेरे मान जी आ गए, खुशामदी। आदाब आदाब, कैसे हैं? आदाब आदाब, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आज भी वही पर्सनालिटी। एक बात बताइए, आपने जवानी की कसम खा रखी है क्या? नानी तंग नहीं करना, मान साहब बैठिए 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 आप। नानी डिस्टेंस मेंटेन कर। डिस्टेंस क्यों? ये मेट्रो के दरवाजे है क्या? तुझे पता है जब तेरे नाना से मेरी शादी होने वाली थी ना, उस वक्त इन्होंने मुझे हिंट भी दी थी, मामला गड़बड़ है, नहीं जल्दी ठहरी, नादान तुम से निकल ही समझ ही नहीं पाई। सच कहूं एक्चुअली पहला प्यार तो यही थे मेरे, अगर उस वक्त ये मान जाते ना तो आज मैं पुष्पा मान होती। तू मान ना मान, मैं मान होती। जिया, 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 जिया। क्या बात। एक्चुअली इसकी मेरे नाना से भी शादी हुई नहीं थी, ये उनके साइकिल के नीचे आ गई, वो छोड़ने के घर हल्ला मचा दिया, तो गावना ने जबरदस्ती शादी करा दी। जा जा मान साहब का टाइम खराब मत कर, निकलो। तू टाइम की बात कर रहे? अरे मैं तो इनको उस टाइम से जानती हूँ जब हम दोनों मोबाइल पे घंटों बातें किया करते थे। उस वक्त आ गए थे मोबाइल? झूठ बोल रही है, उस समय तो मोबाइल थे ही नहीं। हमें क्या पता, हम तो बातों में खो जाते थे ना। आपके ना तीन चार मैसेजेस संभाल के रखी हूँ मैं। अच्छा बताऊँ? अभी बताती हूँ। धीरे से
देखो क्या मैसेज था ये, याद है आपको? देखी जा पर छेड़ी ना। ये तो सोशल मैसेज है ना कि देखो खूबसूरती को देखो लेकिन छेड़ो मत। हाँ तो ये तो सोशल मैसेज ही भेजा करते थे। हाँ और कुछ नहीं होता था, प्यार की मैसेजेस तो मैं भेजा करती थी इनको। नहीं के ये कह रही थी कि प्लीज मेरे वैलेंटाइन बन जाइए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सारी तैयारियां हो चुकी है। अच्छा आप सिर्फ मेरे साथ डेट पर चलिए, चलोगे ना? चलते हैं। बंपर साहिबान, मेहरबान, कदरदान और श्री गुरदास मान। और मिस्टर बातों की दुकान। मैं हूं बंपर, रहती हूं अपने दम पर। अब बैठी ना आप खड़ी क्यों हैं? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ मैं आपकी। आपको गाना आया था ना रोटी, ओ हो व्हाट अ टेस्टी गाना, सो स्वादी। मसा ये सीडी के कवर पे रोटी लिखा हुआ था ना? हाँ जी हाँ। तो ये कवर को सीडी को रोटी समझ के खा गई थी ये, फिर सुबह गाने रिलीज किए इसने। मानना पड़ेगा, वाह वाह, मैं सीडी खा गई थी, मैं सीडी खा गई थी। तो इतनी सी बात क्यों बता रहे हैं, आगे की सारी बातें बताइए ना, कि मैं दिल्ली गई थी, वो पराठे वाली गली मैंने देखी तो मैं पूरी गली खा गई। मैं राजेश खन्ना की रोटी फिल्म सिनेमा में देखने गई, मैं सिनेमा खा गई। मैं तो राक्षस नहीं हूँ, मैं सब कुछ खा जाती हूँ। बताइए ना सारी बातें बताइए। वैसे कपूर शर्मा भी काम कीजिए ना, देखिए सिद्धू जी आज आए नहीं है, आप वहाँ जाके उनकी चेयर पर बैठ के उसकी शोभा घटाइए। ये तुम मुझे भेज रही हो कि मुझे मौका दे रही हो? कैसा आप ठीक समझ, गर्ल्स यू वांट मी टू कम देयर? बैठूंगा कहाँ, यस तो कह दिया। गर्ल्स आई एम कमिंग टू यू। तो देखिए मान साहब, मैंने यहाँ पर सब ऑर्गेनाइज करके रखा है, ये आपकी डेट, पहली डेट है। देखिए आइए आइए ना आइए। जैसा कि आप नानी ओए आय हाय 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 सुन, हाँ ऐसे डेट पर रोमांटिक म्यूजिक बजाते, इंतजाम किया कि नहीं? नानी जी आप भी कमाल कर रही हैं, मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं, अभी मंगाती हूँ। आ जाओ भाई आ जाओ। आओ आओ बनाओ हिंदुस्तान में जगह कोई। मान जी यस आप मूड में आइए। ओके रोमांटिक म्यूजिक प्ले किया जाए। यस चलिए म्यूजिक पसंद नहीं आया नहीं, जाओ तुम लोग जाओ 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 जा, चल। जाओ जाओ, जाओ। नहीं। भगवान के खातिर मूड मत छोड़िए नहीं छोड़िए, आप इधर आइए, मूड में आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए विराजिए आइए। चलिए अब स्टेट क्या फूल का है, फूल। अरे हाँ नहीं नहीं मैं लाई हूँ ना ये, ये रहे फूल। कैसी है? मैंने पीनी छोड़ दी, तूने जो कसम खिला दी। हाय मैंने पीनी छोड़ दी, हाँ। तूने जो कसम खिला दी, हाँ। यारों ने फिर पिला दी तेरी कसम खिलाकर। हाय हाय ये फूल आप इन्हें मंजी, ये आपके लिए। सॉरी 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 नानी, आंसू निकल रहे हैं रास्ता बदल कर। सच में मैंने तो माली से कहा था कि फूल पे पानी डालना, उसने फूल में पानी डाल दिया। लगता है तो पागल माली है, उसकी माली हालत को ठीक नहीं लग रही। चुप कर मोटी कहेगी, ऐसे कोई डेट अरेंज करता है?
यानी वैसे भी आपके डेट पे जाने की उम्र है ये है? और वैसे भी मैं खुद ही नहीं पसंद करती। दिल होना चाहिए जवान उम्र क्या रखे है? हाँ। मैं इनके साथ जरा डेट पे जा सकती हूँ नानी प्लीज? हो गया आपका? और तू? अरे पहले मुझे कह देती मैं बीच में से हट जाती। अच्छा जल्दी कहीं की। और ये क्या इस केक पर तूने मेरी फोटो क्यों छाप दी? पगली तुझे अपना फोटो छापना चाहिए था। आपकी फोटो? हाँ मैंने तुझसे कहा था कि इसके ऊपर मेरी फोटो लगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। छापा छापा अभी छापा, क्या फोटो है? इसी पर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखेगा भी कैसे? बंपर, ओए तुम लोग क्या कर रहे हो बदतमीजियां? ये इन्होंने किया बदतमीजियां, मुझे कह रहे हैं। ये क्या है? कब तू मेरा डेट खराब कर रही थी? एक काम करो बंपर, जाओ बाहर जाके एक दूसरे का मुंह चाट के ना साफ करो। चलो शाबाश, चलो मान साहब को तंग मत करो। मान साहब आ जाओ। यहाँ पे आपके चाहने वाले, आपके फैंस जो हैं आपसे बातें करना चाहते हैं, तो जो भी मान साहब से बात करना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं उनको माइक। जी मैम। हाय कपिल सर, सत श्री अकाल मान जी। सत श्री अकाल सर। आपके पंजाबी गाने तो हम उनके तो कायल हैं ही, वी आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू योर सॉन्ग्स। आज अगर आप कोई बॉलीवुड सॉन्ग आपकी पसंद का दो लाइनें अगर हो जाएं आप गाते हैं मान साहब कभी हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग? मुझे सबसे जो बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग वो है उड़ी जब जब जुल्फें तेरी। तो वही उन्होंने दो लाइंस अगर आप गा दें। आई लव यू शुक्रिया। उड़ी जब जब जुल्फें तेरी, उड़ी जब जब जुल्फें तेरी, कबारियों का दिल मचले, कबारियों का दिल मचले, ओ जिंद मेरी ये। तुझे चांद के बहाने चांद के बहाने देख, वो छत पर आजा गोरिये, छत पर आजा गोरिये, जिंद मेरी ये। वो तेरी चाल है नागिन जैसी, और चौकी तुझे ले जाएंगे, वो चौकी तुझे ले जाएंगे, जिंद मेरी ये। क्या बात है! थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके डॉक्टर, आई नो। जावो नी कोई मोड़ ले आवो, नी मेरे बाल ले गया पुटके, अल्लाह करे मेरे बालों में चूहे हो। अल्लाह क्या करे मेरे बालों में तो है ही, वो अल्लाह करे मेरे बालों में चूहे हो। खून चूसे उसका जो ले गया, पेशेंट आया कहता डॉक्टर साहब मेरे को याद नहीं रहता। मैंने कहा अच्छा क्या याद नहीं रहता मुझको बताओ।
कहता याद ही नहीं रहता तो क्या बताऊं बोलो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा मेरे को जोक सुनाता है कल तक। डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? ये मैं हवाई जहाज उड़ा रहा है, ये एयर होस्टेस खड़ी हुई है तीन पीछे। आप गाना गा रहे थे, आप तो बातें सुना रहे थे, पेशेंट आया कहता बातें है। नहीं नहीं ये हवाई जहाज का हैंडल है, इसको मैं मोड़ता हूँ तुम्हारी तरफ तो चढ़ा दूँ हवाई जहाज। आप तो बातें सुना रहे थे, डॉक्टर है पेशेंट। हाँ मैं बातें ही सुना रहा था क्योंकि मान साहब आए हुए हैं तो। पर आप म्यूजिकल आदमी हैं, मैं म्यूजिकल एक किस्सा सुना रहा था जो मेरे साथ आज सुबह हुआ। मान साहब, मान साहब के पास हो आके मिलो आप। हाँ जी, दिस इज डॉक्टर मिश्र। चाय वगैरह कोई? चाय चाय कोई? चाय वगैरह आप पियेंगे या मैं इनके सिर पे फोड़ दूं? ये कौन सा तरीका है मान साहब से मिलवाने का? मेरे को मिलवाया, आप खुद रे, आपने लूंगी पैंट पता नहीं क्या क्या पहन के, और मंदिर गए थे आप वहां से उठा लाए ना ये। मैं गुरुद्वारे से लाया हूँ। ओके मान साहब बैठिए। मान साहब दिस इज डॉक्टर मिश्र गुलाटे, LBGD। LBGD? या LBGD मतलब लौंडा बन गया डॉक्टर। ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, भागो यहां से। आइए सर बैठिए। थैंक यू। यू नो मेरे को शुरू से सारे कहते थे कि ये लौंडा क्या बनेगा। अच्छा डॉक्टर बन गया। ताली। मान साहब आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं कपिल शर्मा इनको पंजाब में ढूंढ रहा था, बताओ 7 दिन हो गए मेरे को। सिद्धू साहब नहीं मिले वहां पे? सिद्धू साहब तो अरे ही इज टोटल लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। आई लाइक दिस काइंड ऑफ सिद्धू साहब। ठोको। हाँ सो मान साहब मैं पंजाब में आपको ढूंढ रहा था, आप मिले? आप कब गए थे पंजाब? गए थे आप? नहीं मैं इनको नक्शे में ढूंढ रहा था। ओके okay, कि इधर है जलंधर के पास होंगे। डॉक्टर साहब लेने आए आपका, वो लेके चले। क्या मजा मिला तेरे को यहाँ से यहाँ करके? या तो तुम लेके जाते इसको ऐसा छेड़ कर, चुपचाप अपनी जगह पे चलो। सो मान कह रहे थे कुछ? मैं तो कुछ कहता हूँ, मेरा काम है कहना। ओए ओए। आप गाते हैं, मैं कहता हूँ। सो वहां पे क्या होता है, हमारा एक बिजनेस है वहाँ पे, जहाँ पेंडू इलाके होते हैं। क्या इलाके होते हैं? पेंडू। ग्रामीण, तुमको ये भी नहीं पता पेंडू क्या होता है? तो गांव के इलाके होते हैं। अच्छा पेंडू यू आर। सो वहाँ पे जो जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी, वहाँ पे हम रजाइयाँ गर्म करने का काम करते हैं। एंड इट्स अ फ्री सेवा। अच्छा। शर्तें लागू होती हैं बस। कौन सी शर्तें? शर्तें यही, किसी को हाई स्पीड अगर रजाई गर्म करानी हो तो मामूली सी फीस लेते हैं क्योंकि वो हमको मूली खानी पड़ती है पहले। मतलब मूली खाई रजाई में गए तो डुब 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 20 मिनट में रजाई गर्म। डॉक्टर साहब आपको शर्म आनी चाहिए एक्चुअली। नहीं क्यों आनी चाहिए? बड़े आदमी यहाँ बैठे और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं आएगा शर्म क्योंकि मैं डॉक्टर है, गैस वगैरह की बात करना तो फिर डॉक्टर मेरे लिए क्या शर्म है भाई? और मूली और ममूली थोड़ी चलती है। एंड मान साहब जी, यू वोंट बिलीव, जब भी मैं आपका गाना सुनता हूँ ना तो मेरा दिल बॉल 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 कर उठता है। बल्ले 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 हो गया। ओके
बॉल बॉल होएगी तभी तो मैच होएगा। कौन सा मैच? अभी होएगा। मान साहब गाना गाते हैं आप डब्ल्यू वगैरह, लेट्स हैव अ लिटिल मैच। सिद्धू साहब भी नहीं आए, थोड़ा सा मैच वगैरह करते हैं। आइए आइए, लेट्स हैव अ गुड मैच। या होए होए, ये मेरे मामा जी हैं। आइए बैटिंग आपकी। नाचने के बहाने इधर आपने चीटिंग की, ऊपर लगी फिर भी नहीं, यहाँ फिर भी नहीं लगी, लगते आप पे क्योंकि मैं दूर था ना। तो और इसके ऊपर चढ़ के लगाएंगे आप? 100% लग जाती अगर ऐसा होता तो। लाना तो शर्मा नहीं चाहिए आपको, बेइज्जती करवा दी आपने मान साहब के सामने हमारी। थैंक यू सो मच, आज मेरे तक काम। वाओ मान साहब, जिंदादिली, जय जियो। जो भी है, एज अ डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं, तो मैं आपका टेस्ट करेगा, हार्ट टेस्ट। ये क्या मतलब हुआ? ये हेलमेट पहन के क्या कर रहे हैं आप? टेस्ट मैच खेलेंगे। क्योंकि इनका जो दिल है ना, वो तो पंजाब में है। ओह अच्छा, वहां जाके करेगा। मैं आपको एक बड़े ही खूबसूरत से प्यारे से कलाकार से मिलवाना चाहता हूँ। अगम, आप प्लीज मंच पे आइए। अगम, हाउ आर यू? अगम, एक बात बताओ, आपने भगत सिंह जी के बारे में सुना है? हाँ जी। क्या जानते हैं आप उनके बारे में? उन्होंने साडे देश लई शहीदी दित्ती सी। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो अगम, अब आप अगर अच्छा भगत सिंह है आपको, क्या याद है? तो मान साहब के आपने गाने सुने हुए पहले भी, आपका कौन सा फेवरेट है? रोटी और की बनू दुनिया दा। तो रोटी आपको वैसे भूख लगी इसलिए बोल रहे हो कि रोटी अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। सुनाओ कुछ, चार लाइनें सुनाओ फिर आज। की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वा गुरु जाने, की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वा गुरु जाने, की बनू दुनिया दा हाय अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगड़ी, हाय दौड़े वाले तेरी जुगड़ी, हाय दौड़े वाले आगे जुगड़ी, अल्लाह बिस्मिल्लाह तेरी जुगड़ी। ओ कमाल है, वाह अगम, आप बहुत प्यारे हो। क्या बात। और हमने भगत सिंह जी को तो देखा नहीं, पर आपको देख के लग रहा है वो इतने ही प्यारे होंगे और इतने ही खूबसूरत, इतने ही जोशीले होंगे, और आप बहुत प्यारे लग रहे हो। हमारा हमारी यहाँ पे रवायत है, हमें कोई बहुत प्यारा लगे तो हम उसको एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। बच्चा बच्चा हमारा शो देखता है, फैमिली शो है ना, इसीलिए। नहीं तो कई शो तो ऐसे हैं, बड़े भी नहीं देख सकते। माय फेवरेट शो। सो स्वीट, थैंक यू बेटा। बताइए, ये खूबसूरत सा मोबाइल फोन मान साहब, आप अपने हाथों से अगम को गिफ्ट दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जिंदाबाद। थैंक यू सो मच मान साहब। थैंक यू जियो बाबा, आप आए और चार चांद लग गए सर। एक सेल्फी मुझे आप सबके साथ लेनी है। कम चल बेटा, सेल्फी ले ले रे। थैंक यू मान साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखें और देखते रहें द कपिल शर्मा शो।